बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं काशिफ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक सोलर पैनल पर 5 DC सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस से आप मुस्तफीद हो सकें। तो यहाँ पर हम चलाने वाले हैं 5 पंखे एक सोलर पैनल पर। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा 1 DC सीलिंग फ़ैन कितने एम्पेयर के लोड पर चलता है। हमारे जो DC फ़ैन हैं 2.5 से 3 एम्पेयर के लोड पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम 3 एम्पेयर के लोड के हिसाब से सोलर पैनल का इंतखाब करेंगे। मतलब हमें 5 पंखे चलाने हैं तो 3 एम्पेयर के हिसाब से ये बनते हैं 15 एम्पेयर। अब इस 15 एम्पेयर के लोड को चलाने के लिए हम 330 वाट के सोलर पैनल का यूज़ करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारा फ़ैन 12 वोल्ट पर चलता है और ये सोलर 24 वोल्ट का है। दोस्तों मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप 330 वाट के सोलर पैनल से 12 वोल्ट 16 एम्पेयर का करंट हासिल कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बात समझ आ सके। दोस्तों यहां पर मैंने आपको 330 वाट के सोलर पैनल को यूज़ करने के लिए क्यों कहा, इसकी भी एक ख़ास वजह है। प्यारे दोस्तों शायद आपको ये पता ना हो कि इस पैनल की एक तो प्राइस ज़्यादा है, दूसरी बात इस लोड को चलाने के लिए हमें 2 सोलर पैनल ख़रीदने पड़ेंगे और ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। एक और बात, ये जो 150 वाट का सोलर पैनल है इसकी जो लाइफ है वो 8 से 10 साल तक होती है, उसके बाद इसकी पावर तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इसके मुकाबले में 330 वाट के सोलर पैनल की लाइफ 20 से 25 साल तक होती है, क्योंकि इसको बड़े सोलर सेटअप के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और 150 वाट के 2 सोलर पैनल की प्राइस के साथ इस सोलर पैनल की प्राइस को कंपेयर किया जाए तो ये उससे बहुत ही कम पैसों में आ जाएगा। दूसरी बात ये कि आप उससे 20 से 25 साल तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो लोड है वो है 15 एम्पेयर और हमारा 330 वाट का सोलर पैनल हमें देगा 16 एम्पेयर 20 वोल्ट, जिससे हम 5 पंखे आसानी के साथ चला सकते हैं दिन में, वो भी बगैर किसी बैटरी के। अगर आप इस पर 4 DC सीलिंग फ़ैन और 13 वाट के 5 LED बल्ब चलाना चाहें तो वो भी आसानी के साथ चला सकते हैं। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इस 330 वाट के सोलर पैनल को 24 वोल्ट से 12 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है तो आप ये वाली वीडियो देख लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। थैंक्स फ़ार वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।